रो रही थी अभी जोर से, तो मैंने गोली लेकर उसको सब दबाया और चुप नहीं हो रही थी। फिर मैंने रशियो का, रशियो मैं आपको भी ऐसे चुप कराता था राम जी की स्टोरी सुना के। रशियो देख रही है पता, रशियो कहता था आपको ऐसे लेके, या राम राम जय जय राम राम। रशियो से आप चुप हो जाते, देखो फिर वो चुप हो गई, उससे सो गई। सो गई जाग रहा कि सो गया? सो गई रशियो, जाग रहे कि सो रही है? कम नहीं है मम्मा, ये बहुत शैतान है, ऐसे देख रही कैसे। स्कूल है, उठो चलो। छी, अरे पीहू दीदी को उठाओ, स्कूल है दीदी का, उठाओ। बहुत सोते हो आप, उठो 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 उठो, सब लोग उठो चलो। अर्शी उठो उठो उठो। देखिए मानसिक गुलामी क्या होती है, सुबह से घूम के यहीं बैठा, सुना ये बंधा हुआ है, यहाँ बंधा है, ये बंधा नहीं हुआ, खुला हुआ है। आज तो हमको उठाने नहीं आया बिस्तर पे, उसको लग रहा है बंधा हुआ है। अरे तुम खुले हुए हो भाई, बंधा थोड़ी ना हो। दुराम ये तैयार क्यों होंगे पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए? इसका ध्यान क्या रखना ज्यादा है? पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, बाकी काम बाद में। मुझे इन चीजों पे ना समझाओ, निकालो 17 चीजें जब बोली है मैम ने। अच्छा क्यों, मैम ने जो बोला वो करोगी ना? फैशन ज्यादा होता है इसका, स्कूल में फैशन बिगड़ ही गई हो। कौन से ये फैशनिस्ता बनना है तुम्हें भाई? बेटा तू मेरे पास आ जा, जल्दी करो। आज अगर ये नहीं करेगी तो सब मेकअप किट ले लेंगे। गुड जॉब, सब आता है। देखो आपकी दीदी ने सही से अकाउंटिंग कर ली आज भी हूँ। वेरी गुड। मेरे पास ये पुरानी डोंगल थी, इस पुराने डोंगल में दिक्कत क्या हो गई कि यहाँ से ना ये खराब हो। मैंने ये मंगाई है नई डोंगल, अभी भी 16 मिनट दिखा रहा है, 40 मिनट से ट्रांसफर हो रहा है, 87 GB। ये है बहुत स्लो, इसको मुझे करनी है रिटर्न। लेकिन कल सफाई में कूड़े में इसका ओरिजिनल पैकेट जो है फेंक दिया, ये वापस नहीं। अरे मिल गया, मेरा इसका ओरिजिनल पैकेट पीयू के डायपर के नीचे, इसमें आया था। हाँ इसमें आया था, यही है यही है यही। न्यू गिफ्ट है, न्यू गिफ्ट, तुम्हारी नई बैटरी आ गई स्कूटर की, योर गिफ्ट। देखो क्या है, हाँ हटो। तो ये हमारी पुरानी बैटरी, ये हमारी नई बैटरी। ओ पटाखा, स्टैटिक चार्ज बोल गया मैं। हाँ इसमें देखो रेड आ रहा, चार्जिंग हो रही है। अरे माओ खाना क्यों नहीं खा रहे? तो इन दोनों को टाइम आउट मिला, तुम और तुम, टाइम आउट तुम लोगों का। माओ आ जाओ। एक बहुत ही अजीब चीज हो रही माओ के साथ, तो मुझे पता नहीं चल रहा ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोगों को पता चले बताना ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा माओ, ये जो है इसका खाना यहाँ डाला हुआ है, तो इसका खाना यहाँ डाला हुआ है। दिस इज हिज फेवरेट डॉग फूड विद मिल्क एंड ही लव्स दिस फूड एंड ही इज नॉट हैविंग, ही ओनली हैज इट व्हेन आई गिव इट फ्रॉम माय हैंड। सी देखो चाव से खा रहा, मतलब पसंद है इसको ये, बहुत बहुत पसंद है इसको ये। बट अगर मैं बोलूंगा माओ से, खाओ माओ, हैव 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 मेरा बच्चा, हैव हैव हैव। देखो चाटे का छोड़ देगा। I don't know, for some reason he is not. ये देखो, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा आज आपने मेरा खाएगा, मेरा बच्चा आज ये देखो, समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहा है ऐसा। मतलब भूख लगी है, खाना भी पसंद है, लेकिन डब्बे से नहीं खाना। डब्बा मैंने भी क्लीन किया इसका पूरा, मुझे लगा शायद डब्बे में गंदगी होगी, स्मेल मार रहा होगा, पूरा डब्बा क्लीन करके आया मैं भी। गौ माता का दूध है, वेस्ट नहीं करना बेटा, वो भी तो हमारी माता है, तुम भी जैसे हमारे भ्राता हो। तो चलो अब आप खाओ, चलो लो लो लो, हैव 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 हैव, देखो देखो, हैव 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 हैव। अभी यहाँ अपने बैंक रिटो गाड़ी में है, उसकी एक इम्पोर्टेंट कॉल चली गई। ATM के नॉट डिस्पेंस कैश, तो ATM का काम और क्या था, और मेरे को क्या चाहिए? वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? मैं क्या करूँगा और, मैं इसमें अपनी राशि देखूंगा? बैंक भी बंद है, ATM भी नहीं चल रहा, भाई आदमी क्या करेगा बताओ। भाई साहब बैंकों के काम, लोग बोलते हैं अदालतों में जिंदगी कट जाती है, मुझे लगता है बैंकों में भी कट जाती है। भाई एक बैंक तो बंद था, वहाँ पे हड़ताल थी, और जो बैंक खुला था वहाँ पे आधा ही काम हुआ। इतनी देर लग गई मेरे को बैंक में, बीवी पक्का गर्म हो गई होगी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो रितु को मैंने इस वाले गेट पर ड्रॉप कर दिया, ज़्यादा अंदर नहीं जाना मैं।
तो बात यह है कि फैकल्टी ऑफ लॉ का LLM मास्टर्स का शेड्यूल आ चुका है 17 तारीख से क्लास आने, मतलब आज से तो LLB का भी प्लान है कि भाई जल्दी आ जाएगा, शायद मंडे से हो जाए, कब हो जाए पता नहीं। और पढ़ाई बिल्कुल जीरो है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मैंने एंट्रेंस में पढ़ा था ना मैं वो भूलता जा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल पढ़े थे सब भूल गया भाई, सब कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं, इस फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट याद, ये है रट्टा वाली चीज़ें। और तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग में, दिल में, अच्छा यहाँ से तो थोड़ा सा दिमाग में ऐसा पढ़ाई का कीड़ा दोबारा जाग रहा है, अंदर का सूरज जाग रहा है, तो पढ़ाई चालू करता है, इसलिए मैं किताबें, कॉपी, पेन, कलर्स और बच्चे घर पे आए हुए, मेरे ऑफिस का एक चीज़ नहीं छोड़ी बच्चों ने यार, एक चीज़। तीसरी चीज़ ये, हमारा ट्रैवल अभी आने वाला है, तो भाई हमारी तो लाइफ ही ट्रैवलिंग है, जबकि अब बहुत कम हो गई है क्योंकि बच्चों के साथ हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, बट अभी ट्रैवल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं। अगर अपनी किताबें कुतुब लेके भी जाऊँगा, ऑनलाइन क्लास करूँगी ना, वो भ्रम होता है, किताबें लेके तो गए थोड़ा पढ़ लिया बट ना मजे आते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन बनता है, तो मैं सोचूँगा अभी 3-4 दिन है मेरे पास, मैं अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, फिर ट्रैवल करते वक्त, फिर ट्रैवल में इन्जॉय करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। लोटस सियरा, अरे कहाँ बना रखा है जंगल में, कहाँ ये तो नहीं भाई साहब, पूरा बंगाल है, कहाँ बना रखा है, तो स्क्विड गेम्स हो गया यहाँ पे। फर्स्ट सेमेस्टर का काम जुगाड़ लिया, आंटी मैं सर्दियों में स्वेटर बुन रही है। जब हम कानपुर में थे, पूरे जैसे हमारे सोसाइटी में, सोसाइटी क्या मतलब गली थी, सारी आंटियाँ दोपहर को तंदूर लगता था और स्वेटर बुनती थी, और सब मतलब एक दूसरे का डिज़ाइन कॉपी करते थे, जैसे मेरा स्वेटर बनाया दादी ने या मम्मा ने, तो बगल वाले आंटी बुलाई, कितना टिप्पी इधर आई हो, फिर ना देखती थी बुनाई कैसा, अच्छा ये कुंडा कितना पाया, अच्छा है कुंडा है, देख बढ़िया डिज़ाइन है ना, बंडल के बंडल पेन लेके आता हूँ, काम के टाइम पे एक पेन नहीं मिलता मुझे, एक ब्लू पेन चाहिए, सारे मेरे पेन तो हम लोग ऑफिस से ले आते, मुझे एक भी नहीं मिलता है, ढूंढ के ना तो सबको ढूंढूंगा आज मैं, सारा माल तो रशी कल भी रहा पड़ा हुआ है। प्लान था जिम जाने का, ऑलमोस्ट मैं निकल भी रहा था, मोटी वाली जैकेट पहनती क्योंकि आज था कि बाइक की टेस्टिंग करनी, नई बैटरी के साथ की जिम का क्या सीन रहता है, बट अभी स्वाति आ गई तो हम लोग सोचते हैं अर्ली डिनर कर लें बाहर जाके, और जिम में रात में प्रांगों की जिम अपना खुलता है लेट तक, तो कोई टेंशन नहीं है। फाइनली आई गॉट सम न्यू पेन टुडे, और मैंने एक केस लॉ कंप्लीट कर लिया अपना, विच इज कॉल्ड दी वाइट वर्सेस जॉन वेरिक। दोबारा से लॉ को थोड़ा ज्ञान शुरू हो जाएगा, लेकिन वाइट वर्सेस जॉन वेरिक में क्या आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, और जब मेरा एरेशा केस हुआ था मेरे साथ भी लागू हुआ था। हम कुछ भी नौकरी करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, तो हमें क्या है, नौकरी तो करनी ही करनी है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे हैं, हज़ारों एम्प्लॉई हैं, उनमें से हम एक एम्प्लॉई हैं, सब लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं नौकरी का, उस समय जब हमें नौकरी चाहिए होती है तो हम ये नहीं उठ के कह सकते कि नहीं नहीं मुझे क्लॉज नंबर 11 मंजूर नहीं है सर, मैं नौकरी में जा, क्लॉज नंबर 11 चेंज करिए, कहेगा भाई साहब टेक इट और गेट आउट। तो वी आर इन दैट सिचुएशन ऑफ टेक इट एंड गेट आउट, वी साइन द कॉन्ट्रैक्ट चाहे कुछ भी कंडीशन हो, बस हाँ सैलरी हमें मिलनी चाहिए, घर में पैसा आना चाहिए, हम काम करने को तैयार है। हो सकता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा भी हो कि आपके राइट्स के अगेंस्ट जाता हो, तो इस केस में हमें ये था बेसिकली कि कॉन्ट्रैक्ट खली वली, अगर आपके कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं, एम्प्लॉयर की कोई ड्यूटी ऑफ केयर बनती है टुवर्ड्स एम्प्लॉय, तो वो पूरी होगी, चाहे उसने एम्प्लॉय ने साइन किया हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, चाहे ना लिखा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे को चिंता इस बात की नहीं है। एंट्रेंस में तो चलो ABCD मार्क करना होता है, सारा यहाँ ना लिखना होता है, मेरी हैंड राइटिंग है बहुत ही गंदी, बहुत गंदी भाई, ये राइटिंग है मेरी, ये तो मैंने अभी आराम आराम से लिखा है, जब मैं जल्दी में लिखता हूँ ना मैं कोई नहीं पढ़ सकता। What are you guys? Hey, what is this? What did your mommy get you? What is this? New color pens? Enjoy. What is this? Oh, Canadian accent, Rashi. It's not wow kit. Okay. Harsh, what is this? What is this coming out of your pants? Huh? What is this? You know what it's called in India? It's called kachche ka nada. What it is called? कच्चे कन्नाड़ा, गो टेले मम्मी डिस कच्चे कन्नाड़ा गो। कौन किसको सिखा रहा है मेकअप करना, ये खुद ही टूट गई है इसने मेरा इसने एक बार मेरा यूट्यूब में किया था, आज तक मीम बनते हैं। हाँ, वो तो मैंने भी देखा था, वो तो मैंने अंदर ही कर लिया। गई लिपस्टिक क्या चीज़ था ये बोल रहे थे, अगर तुमने ये लगाई पीयू की डायपर की, मैं अम्मा पीयू की डायपर की वेस्ट कर रही है ये। कान ये गले में पहन लिया ना आंटी, कह रहे कान का नहीं पहना मैंने, ज्यादा हो जाएगी फिर, लेकिन फैशन करती ठंडी लगती ठीक है, कभी कभी नहीं लगनी चाहिए। सो गाइस दिस इज माय ओटीडी स्वीट सिंपल। हम लोग जा रहे भी डिनर करने, पहले प्लान था कि सब लोग डिनर करने जाएंगे, तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू लेडीज गो आउट एंड हैव फन टुनाइट, लेडीज नाइट कर लो, क्योंकि मुझे था कि बच्चे साथ में जाएंगे, मैं बच्चों के साथ तो दिन भर चिपचिपे का नहीं डिनर में नहीं कर सकता, फिर उन्होंने कहा कि बच्चे नहीं जा रहे, फिर मैं भी चलूंगा, बच्चों को हम छोड़ेंगे निशा के, और अब मैं स्वाति और रितु जाएंगे भी डिनर करने। तो ए रशि मम्मी कहते, मेरी मम्मी को क्यों लाती हो, मम्मी मैं साथ आती नहीं है, क्यों नहीं आती है पता नहीं, बोला करो चलो पापा लेट हो रहे हैं। हाँ, ये बोला करना चाहिए, अब अच्छी बात
तुम जो है पापा मम्मी की लड़ाई कराओगी एक दिन ना। जैसे घर से निकले अब कौन सा होटल जाना ये डिसाइड कर रहे हैं, तो मैंने कहा जूस की दुकान पे रखते हुए जूस पी लेते हैं, तो इससे काम हो जाएगा कि हमारा स्टार्टर तो हो ही जाएगा। सामने समोसे की दुकान है देखो, समोसे निकाल रहे भैया गरम गरम, ये खा लेते समोसे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लेकिन यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। इसका डिसीजन था कि यहाँ पे आएंगे हम, भाई सारे तो टेबल खाली पड़ा है, इनके कह रहे हैं फुल है फुल है। तो अभी हम लोग फिर से देख रहे हैं कि हमें किस होटल जाना है, यहाँ से हम लोग खुश नहीं है। हम लोग एक जगह और गए वहाँ पे भी समझ नहीं आया, फिर हम लोग फाइनली यहाँ पे आए। अब यहाँ से उठेंगे नहीं भाई, यहीं खाली होगा। तो ये हमारा थर्ड रेस्टोरेंट है बट हम यहाँ से भी चेंज करना थे क्योंकि यहाँ हम जो खाना थे वो नहीं मिला। थैंक यू सो मच। इमरती दूध बंद कर दिया क्या? धन्यवाद भैया, थैंक यू। स्वीट डिश के लिए हम लोग आए हैं इमरती खाने यहाँ पे, जहाँ दूध नहीं ऐसे दूध भी रखते हैं भैया लोग, लेकिन दूध खत्म हो गया तो दूध हमने निपटाया वहाँ से और इमरती खाने आ गए यहाँ पे। सर्दियों में गर्म दूध पी के पूरी रबड़ी बना दी इतने काड़ काड़ के। भैया आपने दूध नहीं बनाया आज, काढ़ा हुआ ये 50 ग्राम तो डलवा ले अपने। ये जो शुभ लाभ लगाया हमारे घर का लगाया ना, ये ले आइयो अपने घर पे लगा दोगे आप। जिस घर में रशीद आती है उस घर में शुभ लाभ। बैक टू आर हाउस, अब बहुत लेट हो गया तो इसलिए आज जिम काटा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अपना ख्याल रखें। कल स्वाति निकल रही कानपुर कुछ काम के लिए, वापस आ जाएगी, हम आपसे मिलेंगे कल। बाय।